Hello friends, welcome to RIAS classes. Welcome to another session Jape hum continue karenge with the topic the factors affecting the selection of a distribution channel. This topic is part of Unit 13 of the subject marketing management of MCO06 MCOM second year IGNU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe.

सेकेंड वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायर्स थर्ड वन इज पोटेंशियल वॉल्यूम ऑफ ऑफ सेल्स एंड द फोर्थ वन इज साइज ऑर्डर तो ये चार एस्पेक्ट्स को आपको देखना पड़ेगा जब भी आप जो है चैनल को कंसिडर करोगे और हम इसको मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इन चारों को हम एक बार देख लेते हैं जल्दी से तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज द साइज ऑफ कस्टमर यानी कि हमारा जो कस्टमर का साइज है वो कम है या ज्यादा है ठीक है अगर थोड़े से ही कस्टमर्स हैं हमारे हमारा प्रोडक्ट को यूज़ वाले यूज़ करने वाले कस्टमर्स कम हैं और वो अगर उनका जोग्रफ़ी की बात करें वो एक छोटे से शहर में ही रहते हैं तो उनके लिए हम जो है शॉर्ट चैनल को ही यूज़ करना प्रिफर करेंगे क्योंकि यहाँ लॉन्ग चैनल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है बट अगर हमारा जो कस्टमर का साइज़ जो है वो ज़्यादा है ठीक है अगर हमारा कस्टमर का साइज़ ज़्यादा है और वो बहुत ही ज़्यादा एरिया में वाइड स्प्रेड है तो उस केस में भी हमको लॉन्ग चैनल को यूज़ करना पड़ेगा अगेन ये क्वान्टिटी पर भी डिपेंड करता है कि, कि कितना क्वान्टिटी जो है वो डिमांडेड है ठीक है तो इन सब पर डिपेंड करेगा हमारे साइज ऑफ कस्टमर पर डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके का चैनल को यूज़ सेकेंड जो चीज है दैट इज पोटेंशियल वॉल्यूम ऑफ सेल यानी कि हमारा जो सेल जो है वो कितने वॉल्यूम में हो रहा है अगर टारगेट वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बिजनेस ने एक टारगेट वॉल्यूम सेट किया होता है कि हम जो है इस आउटलेट से इतना जो है सेल टारगेट हम अचीव करेंगे बट अगर टारगेट वॉल्यूम से बहुत ही ज्यादा हो गया यानी कि कस्टमर जो है ज्यादा डिमांड कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट का तो उस केस में कभी कभार जो एक आउटलेट है ये भी कम पड़ जाता है हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो इसके लिए हमें नए नए आउटलेट्स खोलने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जो डिमांड है जो वॉल्यूम ऑफ सेल है वो भी बहुत ज्यादा हाई है डिमांड भी है जो बहुत ज्यादा हाई हो रहा है ऑफ आवर टारगेट कस्टमर ठीक है तो इन सब केसेस में हमको क्या करना पड़ेगा हमको एक्सपैंड करना पड़ेगा नए-नए लोकेशंस ढूंढने पड़ेंगे इसके अलावा हमको जो है चैनल मेंबर्स भी बढ़ाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली तो अब हर जगह जाके वो थोड़ी आउटलेट खोल के बैठ सकता है तो वो क्या करेगा वो मिडलमैन वगैरह को हायर करेगा जो कि उसके बिहाफ पे प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे टू आवर कस्टमर यहाँ पे हम अपना जो कॉम्पिटिटर्स है उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरीके के चैनल्स वगैरह यूज़ कर रहा है उसका जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स कितना है वो क्या यूज़ कर रहा है चैनल तो उसको भी एनालिसिस करना है आपको अगर आपको एफिशिएंट तरीके से कॉस्ट एफिशेंट तरीके से काम करना है तो आपको अपने कॉम्पिटिटर को भी देखना पड़ेगा कि भाई वो क्या कर रहा है ठीक है उस हिसाब से जो है आप अपना डिसीजन लोगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज़ विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सेल्स नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायर अगेन अगर हमारा जो बायर है वो शॉर्ट एरिया में स्मॉल एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसके लिए जो है शॉर्ट चैनल हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा जो प्रोड्यूसर है वो शॉर्ट चैनल को यूज़ करेगा टू रीच अवर कस्टमर बट अगर वो डिफरेंट जगह में अगर कंट्री के डिफरेंट जगह में लोकेटेड है हमारा जो टारगेट ऑडियंस है हमारा जो कस्टमर है डिफरेंट प्लेस में है दूर दूर जगहों पर है तो उसके लिए शॉर्ट चैनल फीजेबल बिल्कुल भी नहीं है उसके लिए हमें ऑब्वियसली लॉन्ग चैनल का यूज़ करना पड़ेगा तो यहाँ पर एरिया के हिसाब से हमारा जो बायर का कॉन्सेंट्रेशन है हमारा जो टारगेट ऑडियंस हमने चुना है उनका कॉन्सेंट्रेशन किस हिसाब से है उस पर भी डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके का चैनल को यूज करें लास्ट वन साइज ऑफ द परचेज ऑर्डर यानी कि हमारा जो परचेज ऑर्डर है वो किस तरीके का है उसका साइज किस तरीके का है अगर हमारा बायर जो है वो लार्ज स्केल बायर है वो ह्यूज बल्क में हमसे प्रोडक्ट लेता है तो उसके लिए हम शॉर्ट चैनल को प्रिफर ज्यादा करते हैं बट अगर हमारा जो परचेज ऑर्डर है वो कम है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कस्टमर जो है एक टूथ पेस्ट लेता है ठीक है टूथपेस्ट आप जाके बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लोगे आप टूथपेस्ट जाके दुकान से एक ही लोगे है ना तो एक एक ऐसे छोटे छोटे ऑर्डर के लिए छोटे छोटे परचेज ऑर्डर के लिए हमारा जो डिस्ट्री हमारा जो प्रोड्यूसर है वो प्रेफर करता है लॉन्ग चैनल को यूज करना क्योंकि यहाँ पे जो है डायरेक्ट सेल जो है प्रेफर नहीं आप कर सकते है ना वो जस्टिफाई भी नहीं कर सकते कि भाई एक टूथपेस्ट के लिए आप प्रोड्यूसर थोड़ी जाके डायरेक्टली सेल करेगा हमारे कस्टमर को नहीं तो उसके लिए वो जस्टिफाइबल भी नहीं है वो वायेबल भी नहीं है तो इस केस में, ऐसे केस में में ऐसे पे हमारा ऑर्डर जो है वो कम का रहता है वहां पे हम लॉन्ग चैनल प्रेफर करते हैं बट अगर हमारा जो लार्ज स्केल बायर है बहुत ही ज्यादा बल्क में प्रोडक्ट अगर कोई लेता है हमसे तो हम उसके लिए शॉर्ट चैनल को प्रेफर करेंगे तो मार्केट के कंसिडरेशन में हमने चार चीजें देखा पहला हम देखेंगे कि साइज ऑफ द कस्टमर सेकेंड हम देखेंगे पोटेंशियल वॉल्यूम ऑफ सेल थर्ड वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बायर्स एंड द लास्ट वन इज साइज ऑफ द परचेज ऑर्डर तो इन सब पे डिपेंड करेगा इन सब मार्केट कंसिडरेशन पे डिपेंड करेगा कि हम जो है हमारा कंपनी जो है किस तरीके का चैनल को यूज कर रहा है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू आवर अल्टीमेट कस्टमर सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस थैंक यू एंड बाय बाय